ये जो आप लिथियम बैटरी देख रहे हैं, ये लिथियम बैटरी है 148 की। आपने इस पर कई सारी वीडियो देखी होंगी, लेकिन आज मैं कुछ स्पेशल बताने वाला हूँ। जैसा आपने थंबनेल देखा कि भाई बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको बिजली की ज़रूरत नहीं है, आपका रिक्शा चल रहा है और बैटरी चार्ज हो रही है, तो कितना अच्छा हो जाएगा। मतलब आपका जो गाड़ी है वो चलती जा रही है और आपकी बैटरी चार्ज हो रही है, तो ये सरप्राइजिंग हो जाने वाली बातें हैं। तो आज इस टॉपिक पर हम बात करेंगे इस वीडियो में कि कैसे आपकी जो बैटरी है वो बिना बिजली के आपकी गाड़ी चल रही है और वो चार्ज होती जा रही है। तो आप दोस्तों देख रहे हैं मेरे पास ये एक स्पेशल ड्राइव है, तो इससे ये चीज़ें संभव हो जाएंगी। तो इसके बारे में आज हम कम्प्लीटली जानकारी देंगे, क्या ड्राइव है, क्या इसकी कीमत पड़ने वाली है, कैसे आप इसे अपनी गाड़ी में इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों आज की डेट में अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे ज़्यादा जो खर्चा होता है या तो बैटरी का होता है या उसकी चार्जिंग का होता है। भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल में डीजल पेट्रोल तो कुछ डलता नहीं, तो उसमें क्या होता है, बैटरी ही उसका ईंधन है, बैटरी ही उसका ईंधन होता है। तो बैटरी ईंधन होता है तो बैटरी को, एक तो बैटरी की कॉस्ट, दूसरा उसको रोज़ चार्ज करने का खर्चा। तो किसी चार्जिंग सेंटर में गाड़ी को रोज़ लगाते हैं तो वहाँ 100, 150 या 200 रुपये रोज तक के चार्ज हैं। अपने घर पे भी हम चार्ज करते हैं तो हमें कॉमर्शियल मीटर लेना पड़ता है, क्योंकि बिजली डिपार्टमेंट का ये आज की डेट में रूल है कि अगर आप अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जो कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल है, अगर वो आप घर पर चार्ज कर रहे हैं तो कनेक्शन है वो कॉमर्शियल लेना होगा। आप रेजिडेंशियल कनेक्शन से सिर्फ अपनी स्कूटी चार्ज कर सकते हैं या जो पर्सनल यूज की कार है वो कर सकते हैं। और अगर आप कॉमर्शलाइज यूज के लिए कहीं आप अपने व्हीकल्स को यूज करते हैं तो उसके लिए आपको अलग से एक कॉमर्शियल कनेक्शन लेना होगा, तो वहाँ बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। तो दोस्तों आज इसी समस्या को देखते हुए नेक्सस सोलर एनर्जी ने एक ऐसा डिवाइस ईजाद किया है जिससे आप अपनी गाड़ी चलाते रहेंगे और आपकी गाड़ी चलती रहेगी और आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी, आपको बिजली से चार्जिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका काम कुछ कम एरिया में या लगभग रोज़ 50 से 60 या 70 किलोमीटर आपकी अगर गाड़ी चलती है तो आपको बिना बिजली से चार्ज करे भी आप अपनी गाड़ी को रेगुलर चला सकते हैं, यानी कि पूरा भारत भ्रमण आप अपनी गाड़ी से कर सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त वीडियो है, इसके बारे में आज जानकारी देने वाले दोस्तों, और मैं हूँ आपका दोस्त विजय यादव। चैनल पर आप नए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा दें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे दोस्तों। और आते हैं अपने टॉपिक पर बिल्कुल समय ना गंवाते हुए। ये जो आप देख रहे हैं ये ड्राइव है और इसको कहते हैं कंट्रोलर। इसको मैं पास से दिखाऊं, ये कंट्रोलर है 15 एम्पियर 48 वोल्ट चार्ज कंट्रोलर। ये नेक्सस सोलर एनर्जी का है, नेक्सस सोलर एनर्जी इंडिया की नंबर वन R&D कंपनियों में से एक है। अब आप ये बैटरी देख रहे हैं, ये जो बैटरी है ये लिथियम सेल से बनी हुई 100 AH 48 वोल्ट की बैटरी है। आपने बहुत सारी वीडियो इस पर देखी होंगी, ये इसका वारंटी कार्ड है और ये आउटपुट और इनपुट मतलब दोनों चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए अलग अलग कनेक्टर दिए हैं। तो अब क्या होता है कि इसको हम अपने रिक्शे में लगा लेते हैं, एक तरफ से हम इसमें चार्जिंग के लिए पॉइंट लगाते हैं, एक तरफ से रिक्शे में लगाने के लिए, और एक तरफ से हम लगाते हैं इसमें अपने जहाँ कंट्रोलर हमारे रिक्शे में होता है वहाँ। तो हमारा ये पॉइंट चार्जिंग का हो गया। अगर हम बिजली से चार्ज करते हैं तो भी इससे चार्ज करते हैं हम, और अब हम बिजली से चार्जिंग की बात कर नहीं रहे हैं तो कैसे चार्ज होगा। तो आप हमारा ये कंट्रोलर देख रहे हैं, ये कंट्रोलर जो है, इस कंट्रोलर में आप देख रहे हैं दो पॉइंट दिए हैं, यहाँ से बैटरी के लगाने के लिए, तो यहाँ से हम बैटरी का कनेक्टर लगा लेंगे। और तो आप ये देख रहे हैं ये MC4 कनेक्टर है और ये कंट्रोलर जो है हमारा, इसमें जहाँ बैटरी वाले पॉइंट हैं तो वहाँ नेगेटिव पॉजिटिव देखते हुए प्लस में पॉजिटिव और माइनस में नेगेटिव हम लगा देंगे, और इस प्रकार लगाने के बाद में स्क्रू ड्राइवर से इसे टाइट कर देंगे, और टाइट करने के बाद में हम इसे जो बैटरी का एक कनेक्टर होता है कोई से भी कनेक्टर में लगा देंगे, दोनों पॉइंट अंदर से एक ही हैं। तो हमने लगा दिया, यहाँ से ये अपना रेगुलर चार्जिंग देता रहेगा। अब इसमें चार्जिंग कहाँ से आएगी, तो हम क्या करेंगे, ई रिक्शा की छत पर लगाएंगे हम सोलर पैनल। तो ये सोलर पैनल आप देख रहे हैं, ये 580 वाट का सबसे ज़्यादा इफिशियंट सोलर पैनल है नेक्सस सोलर एनर्जी का। और इस सोलर पैनल की विशेषता ये है, ये 48 वोल्ट का सोलर पैनल है, यानी इसकी VOC जो है वो 96 वोल्ट है। तो ये बैटरी को रेगुलर चार्ज करता रहेगा, और कंट्रोलर का काम क्या होगा कि बैटरी ओवर चार्ज ना हो, बैटरी में ज़्यादा चार्जिंग ना जाए, बैटरी को कोई नुकसान ना हो। तो इस डिवाइस को लगा के आप अपने ई रिक्शा को जिंदगी भर फ्री चला सकते हैं, बिना चार्जिंग के सीधा सोलर पैनल लगा के भी चला सकते हैं। अगर आपके रिक्शे की रनिंग कम है, आप 50, 60, 70 किलोमीटर तक मैक्सिमम पर डे जाते हैं, तो आपको बिजली से चार्जिंग की ज़रूरत नहीं है। अब आप बात करेंगे इसकी कीमत क्या होने वाली है। तो कीमत की अगर हम पैनल की कीमत की बात करते हैं तो विद GST आपको 26,000 रुपये का मिलने वाला है। वहीं बैटरी की कीमत की बात करते हैं तो बैटरी मिलने वाली है 70,000 रुपये प्लस GST में, और इस कंट्रोलर की
कीमत की अगर हम बात करते हैं तो ये मिलने वाला है 6,000 रुपये प्लस GST में कंट्रोलर आपको मिलने वाला है। तो ये पूरा सिस्टम लगा के आप अपनी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको कर सकते हैं बिजली से फ्री, रेगुलर चला सकते हैं, पूरे भारत में कहीं भी घूम सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर ये सिस्टम परचेज करना चाह रहे हैं तो कहाँ से परचेज करें, उसके लिए कंपनी की वेबसाइट है www.nexussolarenergy.in पे जाके सीधा इसे आप परचेज कर सकते हैं। बैटरी ले सकते हैं, चार्ज कंट्रोल ले सकते हैं, पैनल ले सकते हैं और अपना एक सिस्टम बना सकते हैं जिसमें आपको चार्जिंग के खर्चे से बच जाएंगे, बैटरी की लाइफ भी लॉन्ग लाइफ होने वाली है दोस्तों। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।